हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल मेड हेल्थ सपोर्ट में। दोस्तों, वैसे तो बुखार को कोविड-19 का सबसे कॉमन लक्षण माना जाता है और यही कारण है कि किसी भी पब्लिक प्लेस पर ज़्यादातर लोगों की टेम्परेचर स्क्रीनिंग की जाती है। लेकिन जॉन्स हॉपकिंस मेडिसिन और यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड स्कूल ऑफ मेडिसिन के अनुसंधानकर्ताओं ने मिलकर एक एडिटोरियल लिखा जिसमें यह बताया गया है कि नॉन कॉन्टैक्ट इंफ्रारेड थर्मामीटर यानी कि NCIT से जो शरीर के तापमान की जांच की जाती है वह कोविड-19 वायरस को पक्के तौर पर फैलने से रोकने की असरदार रणनीति नहीं है। इन्फेक्टियस डिजीजेज सोसाइटी ऑफ अमेरिका की ऑनलाइन जर्नल ओपन फोरम इन्फेक्शियस डिजीजेज में इस एडिटोरियल को 14 दिसंबर 2020 को प्रकाशित किया गया था और इस एडिटोरियल के ऑथर्स हैं जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन के असिस्टेंट प्रोफेसर विलियम राइट और यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड स्कूल ऑफ मेडिसिन के अवकाश प्राप्त प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन फिलिप मैकोवियक। दोस्तों, दरअसल मार्च 2020 में अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विसेज और CDC ने अमेरिका के लोगों के लिए कुछ गाइडलाइंस जारी की थी, यह निर्धारित करने के लिए कि उन्हें कब चिकित्सकीय सहायता लेने की ज़रूरत है उन लक्षणों के लिए जो SARS-CoV-2 इन्फेक्शन का संकेत देने वाले लक्षण थे जिसमें शरीर के तापमान की अहम भूमिका थी। और इन गाइडलाइंस के मुताबिक किसी व्यक्ति को बुखार है ये तब माना जाएगा जब नॉन कॉन्टैक्ट इंफ्रारेड थर्मामीटर को व्यक्ति के माथे के पास रखने पर उसका तापमान 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी कि 38 डिग्री सेल्सियस के बराबर या अधिक हो। नॉन हेल्थ केयर सेटिंग के लिए और हेल्थ केयर सेटिंग में अगर व्यक्ति का तापमान 100 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर या अधिक हो। शरीर के तापमान के जरिए कोविड-19 की स्क्रीनिंग की ये जो पहली स्थिति है उस पर ही राइट और मैकोवियक ने अपने एडिटोरियल में सवाल खड़े किए हैं। ऑथर राइट कहते हैं, नॉन कॉन्टैक्ट इंफ्रारेड थर्मामीटर से ली गई तापमान की रीडिंग पर मानव पर्यावरण और उपकरण से जुड़ी परिवर्ती कारकों का प्रभाव देखने को मिलता है और ये सारी चीज़ें रीडिंग की शुद्धता, विश्वसनीयता और शरीर के तापमान के साथ उसके संबंध को प्रभावित कर सकते हैं। बॉडी टेम्परेचर यानी कि शरीर का तापमान या तो शरीर का मूल तापमान है या फिर पल्मोनरी नसों में मौजूद खून का तापमान। हालांकि शरीर के मूल तापमान को विश्वसनीय ढंग से लेने का एकमात्र तरीका पल्मोनरी धमनिका कैथेटराइजेशन है यानी कि कैथेटर या नलिका डालने की प्रक्रिया है, लेकिन स्क्रीनिंग टेस्ट के तौर पर यह प्रक्रिया ना तो सुरक्षित है और ना ही व्यवहारिक। अपने इस एडिटोरियल में राइट और मैकोवियक ने कई आंकड़े सामने रखे हैं यह दिखाने के लिए नॉन कॉन्टैक्ट इंफ्रारेड थर्मामीटर यानी कि NCIT का इस्तेमाल SARS-CoV-2 इन्फेक्शन के स्क्रीनिंग टेस्ट के तौर पर असफल रहा है। राइट आगे कहते हैं कि 23 फरवरी 2020 को NCIT की मदद से अमेरिका के एयरपोर्ट्स पर 46,000 से अधिक यात्रियों की स्क्रीनिंग की गई थी और उनमें से सिर्फ एक में SARS-CoV-2 की पहचान हो पाई थी। एक दूसरे उदाहरण में 21 अप्रैल 2020 तक CDC स्टाफ और अमेरिका के कस्टम अधिकारियों ने करीब 268,000 से अधिक यात्रियों की स्क्रीनिंग की थी जिनमें से सिर्फ 14 लोगों में ही वायरस पाया गया था। राइट और मैकोवियक ने कोविड-19 के लिए तापमान स्क्रीनिंग को लेकर जो चिंता व्यक्त की है उसे नवंबर 2020 की CDC की रिपोर्ट से आगे और समर्थन मिलता है और इस रिपोर्ट में कहा गया है कि 17 जनवरी से 13 सितंबर 2020 के बीच करीब 7,66,000 यात्रियों की स्क्रीनिंग की गई जिनमें से प्रति 85,000 में से सिर्फ एक व्यक्ति SARS-CoV-2 के लिए बाद में पॉजिटिव पाया गया। इसके अतिरिक्त उस ग्रुप में 278 लोगों में से केवल 47 ऐसे थे जिनमें SARS-CoV-2 के समान लक्षण थे और उनका तापमान CDC के बुखार के लिए तय किए गए मानदंडों के मुताबिक था। राइट बताते हैं कि नॉन कॉन्टैक्ट इंफ्रारेड थर्मामीटर के साथ एक और समस्या ये है कि वे बुखार के पूरे कोर्स के दौरान भ्रामक या गलतफहमी पैदा करने वाले रीडिंग दे सकते हैं जिसकी वजह से यह निर्धारित करना मुश्किल हो जाता है कि किसी व्यक्ति को वास्तव में बुखार है या नहीं। और उस समय जब बुखार बढ़ रहा होता है जो शरीर के मूलभूत तापमान में बढ़ोतरी होती है जिससे स्किन की सतह के पास मौजूद रक्त वाहिकाएं संकुचित हो जाती हैं और इसीलिए वे जितनी मात्रा में गर्मी को रिलीज करती हैं उसमें कमी आ जाती है। और जब बुखार कम होने लगता है तो इसके विपरीत प्रक्रिया होती है और इसीलिए इंफ्रारेड थर्मामीटर के मेजरमेंट के आधार पर बुखार का पता लगाना जो माथे से निकलने वाली गर्मी को मापता है वो पूरी तरह से गलत है। राइट और मैकोवियक की माने तो ये और कई दूसरे फैक्टर्स जो NCIT से थर्मल स्क्रीनिंग को प्रभावित करते हैं उन पर ध्यान दिए जाने की ज़रूरत है और बेहतर प्रोग्राम विकसित करने की भी ज़रूरत है ताकि SARS-CoV-2 से संक्रमित लोगों को उन लोगों से अलग किया जा सके जो कि संक्रमित नहीं हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर क्लिक कर लें ताकि मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।